अब रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने चिंतन शिविर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भारत की विदेश नीति पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कई विधायक और मंत्री शामिल हुए थे। वहीं पेगासस मामले को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि इस मामले को अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। विपक्ष अब देश में जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा सकेगा। अब इस तरह के मुद्दों को उठाकर समय बर्बाद करने के साथ लोकसभा की मर्यादा को भी भंग किया जा रहा है। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि 3-4 दिन बाद बीजेपी की बैठक होगी। भारत की विदेश नीति पर हमारे केंद्र की सरकार के क्या दृष्टिकोण है, उस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का एक व्याख्यान है, प्रशिक्षण चिंतन शिविर चल रहा है, तो उसमें सभी मंत्री विधायक हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे सहकारिता विभाग सहकारिता जो प्रकोष्ठ है उसके सभी लोगों के बीच में एक उनका व्याख्यान था, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ कार्यालय में आना हुआ था। मुझे लगता है कोई किस प्रकार की जासूसी वसूसी है, तो सब इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा विपक्ष के द्वारा क्या है, विपक्ष पे इस देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनहितैषी कोई मुद्दे उनको उठाना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दों से इस देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोकसभा के मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं, इसलिए कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है उपचुनाव के लिए मुझे लगता है कि आगे मीटिंग है शायद 2-3 दिन में, उसमें हम लोग बैठेंगे। थैंक यू।